गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए चाय पीजिए कनपुरिया कप में। अयो रामा, ये भी जल्दी उठ जाता है क्या? वाह यार, ये तो जोरदार आदमी है। वाओ, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, मैंने एक दो दिन पहले संकेत भी दिए, सिग्नल भी दिए थे कि कुछ तगड़ी कमाई की जाए, और आसान है। यहाँ से दिल्ली जा सकता हूँ मैं या अहमदाबाद वगैरह, बहुत से आइटम मिलते हैं ऐसे। तो थोक में लिया है, ट्रेन में बुक कर लिया है, बस पे भी चढ़ा देते हैं वगैरह से। और कहीं पे आजकल रोड किनारे भी आप बिछा के एक सेल टाइप लगा दो, ऐसे बहुत सारे यहाँ हैं। और पूरा प्लानिंग का था मेरा, और ये मेरे को लगभग दो एक महीने करने का तगड़ा विचार हो रहा था। तो उससे लगभग 2-3 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं पूरा। और मेरे बहुत सारे मित्र हैं ऐसे, वो करते हैं जो जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं। और ये उदयपुर जैसी भीड़भाड़ वाली जगह या कुछ अच्छे शहर में जो मेन रोड हो वहाँ पे पास में, या कोई शॉप भी ले सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मली कर सकते हैं, ये सिंपल है, यही मैंने सोचा था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम महीने भर में अपने जो मेंटल और फिजिकल स्वास्थ्य पे थोड़ा केंद्रित हों, थोड़ा अच्छा एक वो अपना बनाऊं, ताकि अच्छे से मार्केटिंग हो, अच्छे से लोगों से बात करें तो प्रभावित हो, तो ये बिजनेस जो है मैं अच्छे से और कर पाऊं। तो ये मैंने निर्णय लिया है, इसलिए एक महीना थोड़ा और जो है शरीर को और उसको वो करके, और ये निर्णय लिया है मैंने। ठीक है, आज का दिन बड़ा शानदार रहा मेरा, कनकलता कृपा ही कहूँगा मैं तो। उसने बहुत कुछ चीज़ें बताई थी बेचारी मेरे को, और उसकी बड़ी आशाएं थी, बहुत ख्वाब थे वैसे। तो अब मैं फिर से शुरू करूँ क्या है, जब हो तभी शुरू किया जा सकता। तो बहुत बहुत सब लोग थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करें, पौष्टिक चीज़ें खाएं, उड़द के लड्डू वगैरह बहुत सी चीज़ें बनती सर्दी में, जल्दी उठ जाओ, मालिश वगैरह करो शरीर की, तो आपका एकदम से वो साल भर वो स्वास्थ्य काम देता है। ये फिर से निवेदन करूँ आप सब लोगों से, मैं हाथ जोड़ के, प्लीज इसको करें। हर हर महादेव। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। अभी सवेरे का 6:15 बज रहा है, लगभग 6 बजे मैं उठ गया था, फ्रेश हुआ हूँ। अब गुनगुना पानी चढ़ाते हैं, थोड़ा सा पियेंगे, उसके बाद चाय चढ़ाते हैं, थोड़ी सफाई करते हैं। और वैसे मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ, लेकिन अभी यहाँ ठंडक शुरू हो गई अच्छी खासी, तो वाटर टैंकर जो है मेरा छत वाला, वो जिससे पानी आता है, काफ़ी ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं जल गर्म कर रहा हूँ, उससे नहाएंगे, हल्की एक्सरसाइज करेंगे, और फिर थोड़ा मेडिटेशन जप स्पेशल शुरुआत से। तो ये अपना शैया थी बेड, और अभी मैं थोड़ा सफाई कर लेता हूँ, झाड़ू लगा लेता हूँ फटाफट। और जल हो गया अच्छा खासा गर्म, गैस करते ऑफ। और गैस कर दी है मैंने बढ़िया सफाई, और ये हो रहा है अपना बाल्टी में पानी गरम, दिख रहा है। हर हर शंभु सदा शिव। इस सामान्य जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल। हर हर शंभु सदा शिव, हर हर शंभु सदा शिव, शंभु सदा शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रामाचार्य की पत्ती मेरे पास खत्म हो गई है, इसलिए चाय की पत्ती लेके आते हैं। चाय की पत्ती दे दो ना, ये आपने ले लिया क्या मकान? नहीं तो गाड़ी अंदर रखती हूँ। अच्छा अच्छा ये इतना कमजोर और छोटा सा था, तो इसको दूध पिलाना शुरू किया, तो देखो इसकी बॉडी बन गई, कितना प्यारा है। इतना स्वागत तो अपना प्यारा भी नहीं करता होगा कोई। चाय के लिए पानी चढ़ा दिया, इसमें पत्ती और शुगर ऐड कर दी है, अब थोड़ी अदरक इसमें वो कर देते हैं। इसी में रखा था मैंने, गर्म भी नहीं किया रात में, ठंडक है थोड़ा सा है, हो जाएगा मेरा काम। इसमें थोड़ा सरसों का तेल, थोड़ी बॉडी की मसाज कर लेता हूँ, फुल बॉडी मसाज नहाने से पहले। मसाज का आ गया मजा।
मसाज कर दी मैंने, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर ली है, चाय बना के भगवान के सामने रख दिया और मैं तुरंत 2 मिनट में नहा के आता हूँ, पानी गुनगुना हो गया बढ़िया। उधर इसमें चाय का भोग लगा दिया तो भगवान संकेत देते हैं, वो कह रहे कनपुरिया कप लाओ हमारे। तो गेट खुला रहता तो मेरे किचन में सूर्य की रोशनी डायरेक्ट जाती है। सूर्यदेव पानी बहुत गर्म हो गया था नहाने का, उसको फिर ठंडा पानी डाल डाल के लेवल पे लाया। सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए और ऐसे गुनगुना पानी, ये एक्सरसाइज में रात में करता हूँ तो सवेरे करेंगे। तो गाइस 1 अप्रैल 1974 रामनवमी थी उस दिन, दिन था सोमवार, सोमवार को ही मैं पैदा हुआ इसलिए सोमवार से ही उत्प्रेरणा होती है, उत्फूर्णा। तो आज से अब बस आलस से जिंदगी से आउट करो, सवेरे एक्सरसाइज करो, रात में शाम को ठीक थोड़ी बहुत करो लेकिन मेन एक्सरसाइज सवेरे होनी चाहिए। और सवेरे सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान वान वगैरह, सवेरे उठ के गुनगुना जल, एक्सरसाइज वगैरह, मसाज, नहाओ मस्ती से और कनपुरिया कप में चाय पियो और थोड़ा मेडिटेशन जप, थोड़ा पाठ वगैरह, बाकी महादेव के ऊपर छोड़ दो जो करे। गंगा जल में चंदन घिसेंगे भोलेनाथ को, सबको लगा के थोड़ा गायत्री का जप और रामचरितमानस का पाठ, चंदन घिस लेते हैं। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायव्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनातु। पृथ्वी पूजनम्। ओम पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं च विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं चंदन धारणम्। चंदन घिस लिया गया, थोड़ा इसमें जल कम हो रहा है तो हल्का सा और कर देते हैं। ये शुद्ध मलयागिरी का चंदन है, दक्षिण भारत से जो बद्रीनाथ वगैरह आता है उसी में से मैंने याचना करके पंडित जी से थोड़ा प्रसाद रूप में लिया था, वही चंदन है। जो आप यदि रामचरितमानस से परिचित होना चाहते हैं, इसके मर्म को समझना चाहते हो, इसके मूल तत्व को और समाज के लिए भी, भक्तों के लिए भी इसको प्रस्तुत करना चाहते हो, तो इसके लिए महादेव को या फिर हनुमंत लाल जी को कहीं एकांत में बैठ के रामचरितमानस खूब सुनाना चाहिए। जो भी वक्ता हुए हैं या जो भी रामचरितमानस के जिम्मेदार लोग हैं जो इसको संभाल के रखते हैं, उनकी यही प्रक्रिया है। बड़ी अवधपुरी को सजाया जाता है, सरयू भी बड़ी प्रसन्न है, भगवान श्री राम राजसिंहासन पर बैठते हैं, राजतिलक होता है और ठाकुर बड़े शोभायमान हो रहे हैं, महाराजाधिराज श्री रामचंद्र जी। तो भगवान शिव भी इस विशेष मौके पर आकर बहुत ही शानदार स्तुति करते हैं, वो स्तुति मुझे बड़ी प्यारी है तो आइए उसको गाते हैं। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निशंग बरम मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनि मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए अतिनाथ अनाथ निपाही हरे बिशिया बन पावर भूल परे बहु रोग वियोग निलोग है भवदंग्र निरादर के फल ए भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेमन जे करते अति दीन मलीन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके
अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं रागन लोभन मान मदा तिनके, सम वैभव वा विपदा, एते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी बिचरंत मही, मुनि मानस पंकज भृंग बजे, रघुबीर महारन धीर अजे, तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मानि हरि, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमनम, रघुनंद निकंदय द्वंद्वगनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम, बार बार बरमागौ हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। तो बहुत ही प्यारी शानदार स्तुति है रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंतर्गत। हर हर महादेव, नर्मदेश्वर कितने प्यारे लग रहे हैं, बड़ी प्यारी शुरुआत हुई। सोमवार को ही जन्मे, सोमवार को ही। हर हर सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। तो गाइस, छत पे भी मैंने अच्छी खासी एक्सरसाइज की है, लगभग मेरे को पौन घंटा छत पे हो गया है। शरीर की सबसे मूल आवश्यकता ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, प्राण वायु कहते हैं। काफ़ी टाइम से मैं बड़ी उथली सांस लेता हूँ, प्राणायाम वगैरह किए नहीं मैंने, गहरी वगैरह ही हूँ, तो फेफड़ों को मजबूत करने की भी एक्सरसाइज की जाएगी। तो बहुत से वीडियोज़ में आपने देखा होगा, जैसे मेरी सांस, आपको लगता हो सांस फूल रही, सांस फूलती नहीं है, उसमें गहरी सांस का आपका अभ्यास छूट गया तो बॉडी तो मांगेगी ना, आप कुछ भी कर रहे हो, 90 केजी वेट है मेरा, कुछ भी कर रहे हो वगैरह, तो ऑक्सीजन तो बॉडी मांगेगी, क्योंकि सेल्स होते हैं उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिकाओं को भोजन तैयार वगैरह, तो ऑक्सीजन मेन फैक्टर है वहाँ पे। तो उसमें यदि उथली जा रही है आपकी, तो बार बार सांस और लगेगा जिस सांस फूल रही, तो गहरी सांस का अभ्यास करना चाहिए। मुझे अभी भी याद है, मेरे फादर पहले सबको हमको कहते थे, वो तो खैर काफ़ी योगा वगैरह करते थे, आसन, सिर सर्वांगासन वगैरह, लेकिन हमको एक चीज़ कहते थे कि गहरी सांस लिया करो, तो गहरी सांस से ज़्यादा प्राणवायु आपके अंदर जाएगी और फिर ऊपर से होके वगैरह दिमाग भी आपका अच्छा रहता है, तेजस्विता रहती है। जो गहरी सांस वाले जो पर्याप्त प्राणवायु लेते वो जल्दी एग्रेसिव नहीं होते, ये भी एक, मैं जब अपने को सूक्ष्म अभी विवेचन कर रहा हूँ तो ये बहुत बड़ा फैक्टर मेरे को हो रहा है कि प्राणवायु पर्याप्त मात्रा में, गहरी सांस वगैरह, तो उससे आपका ताजगी आती है, स्थिरता आती है, धैर्य भी विकसित होता है, सिंप्लिसिटी आती है, एक रिदम आता है। तो इसका भी मुझे अब प्राणायाम वगैरह कैसे भी गहरी सांस वगैरह ये करनी है। तो छत पे अच्छी खासी एक्सरसाइज कर ली, आज का दिन बहुत अद्भुत रहा, सोमवार को ही हम पैदा हुए, सोमवार से हमारा रिदम फिर से शुरू हो गया है। अब दूध लाता हूँ और कॉफी बनाता हूँ मस्त वाली। मैंने ले लिया दूध और ये आ गया चिंटू। आज सुबह क्या वेलकम किया इसने, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरा, एकदम मुस्कुरा के, पूंछ हिला के, डांस करके, आ जा तेरे को पिलाते। मकान बना था, छोटी सी थी, अब बड़ी भारी हो गई है। ये है गाइस, इतना बढ़िया वेलकम किया सवेरे इसने मेरा, एकदम ऐसा डांस किया मेरे सामने वगैरह। तो ये बहुत कमजोर था, ये दूध पिला पिला के इसको अच्छा हो गया है। जब एक मस्त कॉफी बनेगी, कनपुरिया कॉफी नाम है उसका। सो गाइस, ये दूध गरम मैंने इसे डाल दिया और कड़क वाली कॉफी बनाते हैं। कनपुरिया कनक लता है, वो चाय से नफरत करती है, मेरे को कहती मैं तो कॉफी पीती हूँ, बड़े लोग कॉफी पीते हैं, ऐसे बोलती है। मैंने कहा ठीक है, आप बड़े हो, हम भी बड़े हो जाएंगे कॉफी पी पी के, अब मुझे बड़ा आदमी बनना है, कनपुरिया कप में कनपुरिया कॉफी बनाओ, ठीक है ना। सो कनपुरिया वो कहती है कि चाय से नफरत करती है, बोले बड़े लोग, स्टैंडर्ड लोग कॉफ़ी पीते हैं, स्टैंडर्ड लोग कोट पहनते हैं। कोट फोट तो नहीं पहनने वाले हम, तो एथलेटिक्स है,
और कॉफ़ी ज़रूर पियेंगे। तो एक कनपुरिया कप ही है, उसने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट किया था ऋषिकेश में, जो हम दो दिन रहे थे वहीं लाई थी वो। तो गाइस हमारी कॉफ़ी हो गई रेडी, कनपुरिया कप में कनपुरिया कॉफ़ी। तो आइए आप कॉफ़ी पीजिए।